प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के आगाज से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह अब टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। आईपीएल के सीजन 15 में महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। आईपीएल मेगा नीलामी 2022 से पहले महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली को रिटेन किया गया था। आपको बता दें कि ऑक्शन के दौरान रविंद्र जडेजा सीएसके टीम द्वारा रिटेन किए गए सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। नए सीजन के लिए उन्हें 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। हालांकि शुरू से ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि नए सीजन में रविंद्र जडेजा को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। वहीं एमएस धोनी आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में टीम को 4 बार खिताब जिताया है। वहीं 9 बार टीम ने फाइनल तक का सफर भी तय किया है, जो किसी भी कप्तान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में कप्तान के तौर पर 190 मैच खेले हैं। इनमें से 116 मुकाबलों में जीत, जबकि 73 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। धोनी अक्सर अपने फैसलों से प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जहां अब इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के आगाज से 2 दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने सभी को चौंकाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 26 मार्च को खेला जाना है।